Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कि जब तक स्टे की कोई कॉपी हमारे पास मौजूद नहीं होगी, हम अमल दखल जो है वो मदाखलत नहीं कर सकते। तो अब सूरत आली के तलबा यहाँ मौजूद हैं और अब एक बार फिर जो है वो ये क्लेम किया जा रहा है कि जो है वो स्टे की जो है वो मिल गया है। अब दावा किया जा रहा है इस बात कि स्टे मिल गया। अब देख रहे हैं कि ये स्टे की कापी जैसे ही आती है उसके बाद बाकायदा यहाँ पुलिस भी मौजूद है और जो तमाम महकमे तालीम के अफसरान भी यहाँ मौजूद हैं, वो कब कॉलेज खुलवाते हैं और आए के दोपहर की जो क्लासेस हैं वो होंगी या नहीं। और इससे कबल मैं आपको बताऊं कि महकमे तालीम के जो सूबाई वजीर हैं जाम मेहताब, उन्होंने बाकायदा नोटिस दिया था और उन्होंने अब से डेढ़ घंटे कबल ये ऑर्डर किए थे कि कमिश्नर कराची जो है वो आधे घंटे बाद कॉलेज को खुलवाएं और कॉलेज जो है वो हर सूरत में खोला जाएगा। लेकिन ताहाल अभी तक कॉलेज नहीं खोला गया और इंतजामिया जो है वो ट्रस्ट की वो गेट पर मौजूद है, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं जो तलबा को अंदर जाने नहीं दे रहे और कि अगर स्टे आएगा हम उसकी कॉपी देखेंगे, उसके बाद जो है वो कॉलेज खोला जाएगा। अच्छा कफील, ये भी यहाँ पर बता दीजिए कि अगर स्टे ऑर्डर मिल चुका है तो उसकी कॉपी दिखाने में फिर क्या हर्ज है? क्या मुमकिन तौर पर वजूहत हो सकती है जिसकी वजह से स्टे ऑर्डर दिखा रहा उसे मंजरे आम पर नहीं लाया जा रहा? दूसरी जानिब बच्चों की तालीम का खर्च तो हो रहा है, इसके पीछे मामला जो भी कुछ हो लेकिन बच्चों को पढ़ाई तो दस्तयाब होनी चाहिए ना, वो तो अपना तदरीसी अमल जारी रखें। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं महकमे तालीम सिर की तो वो इंतहाई जो है वो गफलत और इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा है। 2005 से ये केस चल रहा है तो सिंध हुकूमत का महकमा तालीम उस वक्त कहाँ था जब ये 10 साल के बाद जब ये दावा करती है आयशा बॉन्ड ट्रस्ट कि उनको जो है वो पोजीशन हासिल हो चुका है तो उस केस को क्यों हैंडल नहीं किया गया और ये मामला जो है वो आज यहाँ तक पहुँचा है। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि तलबा जो बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद भी हैं मरकजी गेट पर आयशा भवानी कॉलेज के बाहर भी, उनका यही सिंध हुकूमत को देखना चाहिए महकमा तालीम को कि फौरी तौर पर इस मसले को असर नौ जो है वो हल किया जाए ताकि जो उनकी तालीम का हर्ज हो रहा है, जो कि एडमिशन लेकर यहाँ पहुँचे हैं उन्होंने बाकायदा एडमिशन लिया है, उस सिलसिले में जो है वो हुकूमत इकदाम नहीं कर पा रही। यही वजह है कि बाकायदा सेक्रेटरी कॉलेजेस यहाँ पहुँचे हैं, दीगर डायरेक्टर कॉलेजेस भी यहाँ पहुँचे हैं लेकिन कोई भी जो है वो कॉलेज खुलवा वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाकायदा यहाँ पर फोर्सेज को ला के जो है वो कॉलेज खुलवा सके, इसलिए कि उनके पास बाकायदा तहरीरी तौर पर कोई हुक्मनामा मौजूद ही नहीं था। ये तमाम सूरत हाल अब तक मौजूद है और तलबा जो है वो इस बात पर बजिद हैं कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे और कॉलेज जो है वो हमारे हवाले किया जाए, हमारी जो क्लासेस हैं उसको बहाल किया जाए और महकमे तालीम इसमें असर न हो अपने किरदार अदा करें। कफील अहमद, आपने कहा कि महकमे तालीम से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे अहलकार यहाँ पर पहुंचे, इसके अलावा कमिश्नर कराची भी यहाँ पर पहुंचे लेकिन इसके बावजूद किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो कॉलेज को खुलवा सके, तो अब क्या कहा जा रहा है? स्टे ऑर्डर अगर दिखा भी दिया जाता है तो कब तक कॉलेज खोल दिया, कब तक तदरीसी अमल एक दफा फिर से शुरू हो सकेगा? देखिए साथियों, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मरकजी गेट के बाहर आयशा भवानी जो ट्रस्ट है उसके सिक्योरिटी गार्ड्स और उनकी जो इंतजामिया है वो भी मौजूद है और दूसरी जानब यहाँ सप्ला के तमाम नुमाइंदगान, उसके अलावा महकमे तालीम के जो अफसरान हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। बताया जा रहा है जो कि अभी महकमे तालीम के अफसरान इस बात को कर रहे हैं कि स्टे जो है वो हमारे पास आ गया है और अभी तक जो है वो व्हाट्सएप पर उसकी कॉपी मौजूद है लेकिन अभी तक मीडिया को शो नहीं किया गया है। जैसे वो ऑर्डर शो कर दिया जाएगा तो वो आयशा भवानी जो ट्रस्ट है उसकी इंतजामिया को शो किया जाएगा, तो उसके बाद कोई जो है वो दिक्कत नहीं होगी कॉलेज खोलने में, इसलिए कि बाकायदा जो है वो कोर्ट की जाने से हुक्मनामा होगा जिस पर अमल दरामद कराना होगा यहाँ पर मौजूद फोर्सेज को और यहाँ मौजूद जो इंतजामिया है महकमे तालीम की। अब देख रहे हैं कितनी देर में जो है वो इनके हाथ कब इसको पेश करके जो है बाकायदा कॉलेज खुलवाने के लिए इकदाम करते हैं। जी तो ये बताइएगा कि मुमकिन तौर पर सूरत हाल वाजे अभी तक तो नहीं हो रही है, जिस तरह से अहकाम दिए जा चुके हैं कि स्कूल और कॉलेज को खोल दिया जाए और बच्चों को अंदर तदरीसी अमल जो है वो जारी रख सके, उसके बाद बच्चे यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, इनके वालिदैन का क्या कहना है क्योंकि ये सिलसिला तो कई रोज से जारी है? देखिए उनके वालदैन से हमारी बात हुई तो उन्होंने मुरीद इल्ज़ाम जो है वो महकमे तालीम सिंध को ठहराया, उनका कहना ये था कि बच्चे तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि ये ट्रस्ट की बिल्डिंग है या सिंध की क्या तनाज़िया इस मामले में। अब चूंकि ये मामले जब खुलकर सामने आए और अब इस मसले के हल के लिए ताहाल के इकदाम नहीं किए जा रहे तो इसलिए बच्चे जो है कन्फ्यूजन का शिकार हैं और उनका यही कहना है कि जो है फौरी तौर पर इस मसले को जो है वो हल किया जाए और हमें यहाँ क्लासेस बहाल की जाएँ। उनका तो जब आज बच्चे सुबह यहाँ पहुँचे तो मैं आपको बताऊँ कि जो बच्चे इस बात पर भी एग्री थे कि यहाँ बाकायदा टेंट लगाकर जो है वो क्लासेस जो है वो शुरू की जाएँ लेकिन जो कॉलेज प्रिंसिपल थे मोहम्मद सलीम, उनका बाकायदा स्टे जो है वो मिलने वाला है और जो कि जिसकी कॉपी जो है वो ताहाल नहीं दिखाई गई है और यही वजह है कि अब तक जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए आइंदा जो आधा घंटा या पौना घंटा होगा वो इंतहाई अहम होगा, इस लिहाज से कि अगर कॉपी जो है वो शो कर दी जाती या जो है वो पेश कर दी जाती है कोर्ट की जानिब से या महकमे तालीम के अफसरान
कर देते तो फिर उसके बाद कॉलेज खुलवाने में मेरा नहीं ख्याल कि 10 से 5 मिनट दरकार होंगे और कॉलेज जो है वो खुल जाएगा, लेकिन स्टिल जो है वो कन्फ्यूजन बरकरार है और जो यहाँ तलबा मौजूद हैं बड़ी तादाद में उनका यही कहना है कि फौरी तौर पर जो है इकदाम किए जाए कॉलेज खोलने के लिए। अच्छा कफील अहमद, स्टे ऑर्डर आपने कहा कि जो कॉलेज की इंतजामिया है जो प्रिंसिपल है उनका ये कहना है कि स्टे ऑर्डर मिलेगा कॉलेज को खोल दिया जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या गारंटी है कि एक दफा फिर से ये तनाजा खड़ा नहीं होगा? देखिए साथियों, मैं आपको बताऊं ये महकमे तालीम की इंतहा लापरवाही और अदम तवज्जी है कि आज ये मामला इस जब ये मैंने आपको बताया कि ये 10 साल से ये केस चल रहा था, अब देखना ये कि महकमे तालीम जो है वो इस मामले को किस तरह टैकल करता है। अगर जो है वो सिंध हाई कोर्ट बाकायदा एक हफ्ते या दो हफ्ते का बाकायदा जो है वो स्टे देती भी है तो उसके बाद किस तरह मामला जो है वो रिजॉल्व होंगे, इसलिए कि आयशा भवानी ट्रस्ट जो है ये बाकायदा उसके सेक्रेटरी हैं फरीद अहमद, वो मीडिया से गुफ्तगू में इस बात को जो है वो कह चुके हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि सरकारी कॉलेजेस जो कॉलेजेस हैं उसमें कोई तालीम नहीं दी जाती है, हम प्राइवेटली तौर पर इस कॉलेज को चलाएंगे और यहाँ जो तलबा और तालबात हैं जो ज़ेर तालीम है उनको हम पढ़ाएंगे। तो ये तमाम सूरत हाल है, वो इसको कॉलेज को रन करना चाहते हैं लेकिन एज आ प्राइवेट के तौर पर। तो अब सूरत हाल ये कि ये इस कॉलेज को जो है जो यहाँ के तलबा ज़ेर तालीम है उनके मुस्तकबिल का क्या होगा, लेकिन जो इसमें बुनियादी जिम्मेदारी और जो कोताही जो नज़र आती जो अब तक दिखाई दे रही है वो सिंध गवर्नमेंट के में तालीम किए जिसने इस केस को बाकायदा परसू नहीं किया और यही वजूहत हैं कि जो है वो तलबा आज बाहर खड़े हैं लेकिन उनकी तालीम जो है वो इस वक्त जारी नहीं है। दूसरी जानब देखिए कफील, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको अंदर तो चले वो नहीं है, यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई का अमल रुका हुआ है, साथ ही साथ हाथापाई भी कुछ इस तरह की सिचुएशन है, धक्कम पेल हो रही हो जैसे हाथापाई हो रही हो, अंदर जाने की कोशिश को अंदर जाने से रोका जा रहा हो, इस सिचुएशन को भी पुलिस यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो वहां पर मौजूद क्यों है फिर पुलिस? देखिए पुलिस अगर जो यहाँ मौजूद है अब वो बिना किसी ऑर्डर के काम नहीं कर सकती है, मतलब वो असर जो है कि अपने तौर पर वो खुद कुछ नहीं कर सकते जब तक इंतजामी की जहाँ से बाकायदा उन्हें कोई ऑर्डर ना हो, और ये मामला क्योंकि अदालत का है तो इसलिए जो है वो पुलिस एहलकार खुद भी जो है वो इससे थोड़ा सा साइडलाइन है। मैं आपको बताऊँ कि जब तकरीबन 1.5 घंटे कबली किसी हुई थी कि महकमे तालीम के अफसरान आए और बाकायदा गेट पे खड़े होकर उन्होंने जो है वो आयशा भवानी जो ट्रस्ट की इंतजामिया उससे जो है वो खासी मज़ाहमत देखने में उस वक्त नारेबाजी भी हुई और उन्होंने जो है वो गेट ताले खोलने जो तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो मैं आपको बताऊँ कि उस वक्त पुलिस एहलकार जो है वो खासी दूर थे और वो जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। अब सूरत हाल उनका यही कहना है कि हमें कोई ऑर्डर दिखा दिया जाए तो हम उस पर 2 मिनट में जो है वो अमल दरामद करा देंगे, लेकिन अब देखना ये कि कब तक जो है वो ऑर्डर पास होता है, कब यहाँ तक पहुँचता है और कब जो है वो इनको शुरू किया जाता है ताकि ये मामला जो है वो किसी गड़बड़ बैठ सके। अफसोसनाक सूरत हाल, आयशा भवानी ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने कॉलेज के बाहर धरना